मोदी सरकार का मास्टर प्लान, मोदी सरकार का मास्टर प्लान है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत तमाम भारतवासियों को फायदा देना। और आपको बता दें कि तमाम भारतवासियों को फायदा भी हो रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जिन लोगों ने खुलवाए हैं उनके पैसों से उनको मुनाफा मिल रहा है। और इसी के तले प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत करीब है। इस स्कीम में साफ तौर पर गरीब लोग जो है वो अपने खाते में पैसे इकट्ठे करते हैं और उसका मुनाफा जो है वो उन्हें मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस उम्मीद से, इस स्कीम से बहुत उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि 5 अप्रैल तक पीएम प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो है वो शेष राशि 2,01,598 रुपए हो चुकी है। और उसी के साथ विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना में 48.70 करोड़ लाभार्थी है। सुनिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है कि भारत पूरे देश में 48.70 करोड़ लोगों को मुनाफा मिला है, जिसमें से 55% जो है वो लाभार्थी महिलाएं हैं, यानी 27.08 करोड़ जो है महिलाएं हैं और इन खातों का सीधा बेनिफिट जो है वो महिलाओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना लेकर आए थे महिलाओं के लिए कि मेरे देश की महिलाएं जो है वो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट पर यकीन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है कि भारत की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो अपने पैसे जो है वो घर में छुपाया करती थी जिससे उनको फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप अपने खाते के पैसे जो हैं, यानी आप अपने पैसे जो हैं वो खाते में जमा करवाएं जिस खाते का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सोचिए ये योजना प्रधानमंत्री के नाम से आई है और जिसका नाम ही जनधन योजना है वो कितना मुनाफा देगी। इसलिए महिलाएं जो है 27.08 करोड़ महिलाएं हैं। इसके अलावा अन्य की बात करते हैं, 66% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के गाँव के लोग हैं और अधिकतर बैंक शाखाओं में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बताते हैं कि उपलब्धि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 2 लाख करोड़ जो हासिल हुई है इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। इस साल 5 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में कुल बैंक बैलेंस जो है वो 2,01,598 रुपए जो है एक व्यक्ति को हुआ है। आप सोचिए कि पूरे व्यक्तियों को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है लेकिन एक बैंक को, एक व्यक्ति के खाते को, यानी एक धारक को जिसने अकाउंट होल्डर एक है, यानी एक व्यक्ति को 2,01,590 रुपए का फायदा हुआ है। इसी के तले आपको बताया जा रहा है कि पूरे लाभार्थी जो हैं वो 48.70 करोड़ हैं, जिसमें से 95% महिला और आंकड़ा देखा जाए 27.08 करोड़ है और 66% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। और सबसे आगे जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल जितनी भी संख्या है उन्होंने इस खाते का जो है वो फायदा उठाया है। बिहार भी बहुत आगे है। बिहार में आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने ये खाता खुलवाया है और करोड़ों रुपए लोगों के खातों में जो है वो पहुंचे हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा जो है वो बहुत से लोग उठा रहे हैं। इसमें क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या बेनिफिट है वो आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य है आपको सशक्त करना। जमा खाते में क्रेडिट के तौर पर प्रधानमंत्री जी आपको पैसे देंगे। पेंशन और बीमा जैसी सेवाओं में भी जो है वो तरक्की होगी और इस तरक्की को जो है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुआं जो है वो प्यासे तक पहुंचा है, प्यासा कुएं तक नहीं आया। इस योजना का अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को फायदा होने जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि निर्मला सीतारमण जी भी कहती हैं कि सीधा पैसे जो है वो आपके खाते में आएंगे। योजना के तहत एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में जब होगी उसके तहत अन्य खाता नहीं खोला जाएगा और जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता है उनके पास आधार से जुड़े हुए खातों के लिए 10,000 रुपए की ओवरड्यू सुविधा है और ओवरड्यू कार्ड इनके पास है। और इसी के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटनाग्रस्त बीमा भी है, यानी अगर आपको कहीं लग जाती है तो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस भी है। और 5 अप्रैल तक के लाभार्थियों को जो है वो काफी ज्यादा रुपए उनके खाते में जो है वो आए हैं, यानी 2,01,000 का फायदा तो आपको हुआ ही हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो आपको, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको लग जाती है तो आपको बीमा भी प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ वक्त वक्त पर आपके खाते में क्रेडिट होकर पैसे जो है वो आते रहेंगे। और प्रधानमंत्री स्कीम को जो है 5 अप्रैल तक जिन लोगों ने करवाई है उन्हें तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो आगे करवाएंगे उसके लिए फर्दर जो है डिटेल जारी की जाएंगी कि उन्हें फायदा जो है वो कब मिल रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना का।